नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कार सुधांशु कुमार वापस यहाँ कॉर्नर ओडिशा। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा गांजा कौन फूक रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं, रवि शास्त्री को नहीं बोलेगा, उनका ड्रग्स का बिजनेस है। तो इसका सही जवाब है इंडियन टीवी एड्स वाले। ये भोसड़ी के कुछ भी लिख देते, कुछ भी छाप देते और कुछ भी दिखा देते। आपने एक टाइड का एड देखा होगा, उसमें एक औरत अपना शर्ट को ऐसे ली हुई खड़ा रहती है और कहीं से उड़ते एक टाइड का पैकेट आता है और ऐसे करके साफ कर देता है। और मैं बता रहा हूँ भोसड़ी के, मैंने अपने पूरे जीवन में उससे ज़्यादा उजला शर्ट नहीं देखा। और जब साला उस पन्नी से ही वो शर्ट साफ हो जा रहा है, तो तुम उसमें सर्फ और साबुन रख के काहे बेच रहे हो बे? और ये जब इनके जो स्क्रिप्ट राइटर रहते हैं, ये कुछ भी लिख देते हैं और कुछ भी छापने के बाद जब ये वीडियो बना लेते हैं, तो अपने बॉस के पास जाते हैं, बोलते सर ऐड बहुत ही चूतिया बन गया। उनका बॉस बोलता है, सुन टीवी पर चला दे, देखने वाले और भी ज़्यादा चूतिया हैं। जो ससुराल सिमर का और ये रिश्ता क्या कहलाता है देख लेते हैं, उनके लिए तो ये फिर भी रॉकेट साइंस है। और फिर हम आते हैं डेटॉल के बारे में। ये दिखाते हैं कि 99.9% जम्स को किल कर देते हैं, तो साले तुमसे 0.1% क्यों नहीं मर रहे हैं? ये जाता होगा इनका डिटॉल और ऐसे करता होगा 99.9% मर गए। उधर से आता होगा 0.1% वाला, बोलता है वही चूती है, सुन मैं उन 99.9% वालों में से नहीं हूँ, मैं उन 1% वालों में से हूँ। और साले अगर तूने मुझे मारने की कोशिश की तो बता दे रहे हो चाचा कोरोना है हमारे, पेल के रख देंगे। और उसके बाद फिर उन्होंने एक और ऐड बने हैंड वॉश वाली। हैंड वॉश में ये दिखाते हैं कि ये एक आदमी आ रहा है हक के हाथ धो रहा है साबुन से, फिर दूसरा आदमी जब हक के जा रहा है तो फिर उसी साबुन से हाथ धो रहा है, तो उसमें उसने हाथ नहीं धोए, उसके गांड के कीटाणु ले लिए। वो साला किसी भी चीज़ को छू रहा है उस पर गांड के कीटाणु चल जा रहे, वो खाना खा रहा है उसमें चल जा रहे, वो साला बर्तन छू रहा है उसमें चल जा रहे। साला 4-5 साल पहले तुम अपने हैंड वॉश निकाले हैं क्या? उससे पहले हम अपने गांड के कीटाणु खाते थे? कुछ भी चुतिया आप कर रहे हो तुम। खैर, जिंदगी झंडा फिर भी घमंड है। फिर हम आते हैं एक्स पे, फॉग पे, कैंटाबिल पे और तरीके तरीके के परफ्यूम हैं। ये साले चुतिया कुछ भी ऐड बना दे रहे हो, कुछ भी दिखा दे रहे। एक ऐड आपने देखी होगी कि एक लौंडा जो है खड़ा रहता है और एक बहुत ही तेज हवा आती है, एकदम भयानक, एकदम उड़ा देने वाला, और उसमें से उस हवा से सब कुछ उड़ जाता है। वो आदमी एक पोल को पकड़ लेता है और उसका कपड़ा उपड़ा सब फट जाता है। सामने ही एक लड़की खड़ी देती है लेकिन उसका बस स्कर्ट उड़ता है, ज़्यादा उड़ना भी नहीं चाहिए, और उसका पूरा कपड़ा फटने के बाद लौंडे का लड़की एंड में क्या बोलती है, नाइस फ्रेगनेंस। नहीं भूसरे के, तुम्हारा परफ्यूम नहीं उड़ा अभी तक, सारी चीज़ें उड़ गई। और ये इतना बड़ा चूतिया हम लोगों को बनाते हैं कि दिखाते हैं कि आप एक्स फॉग कुछ इससे करके मारे, उसके बाद फिर लड़की आपके पास आ रही है चुंबक के जैसे, एकदम चिपक जा रही है, जैसे मिश्री में चींटी गुड़ में चींटी आती है। लेकिन रियलिटी में मैं बता रहा हूँ कि मैंने जब से होश संभाला है तब से अब तक मैंने हर तरीके का जो है परफ्यूम यूज कर लिया। लेकिन मजा लगे किसी लड़के ने मुझे कहा नाइस फ्रेगनेंस। और फिर हम आते हैं गुटका ऐड वाले पे। ये तो सबसे पहले हमें इतना ज़्यादा चूतिया समझते हैं कि इलायची का पैकेट दिखा देते हैं और बोलते हैं कि ये इलायची का पैकेट है, हमें नहीं पता कि तुम इसके आड़ में क्या बेच रहे हो। और अभी मैं IPL देख रहा था कुछ दिनों पहले, तो उसमें इन्होंने ऐड कराया वीरेंद्र सहवाग से और सुनील गावस्कर से गुटका का ऐड, वो था कमला पसंद का। और चलो इन दोनों का तो फिर भी समझ में आता है, ये इंडियन लोग हैं। ये साले क्रिस गेल से गुटका का ऐड करवा रहे हैं। अबे जिसके देश में, जिसके शहर में उसको कसैली का मतलब नहीं पता होगा, उससे तुम गुटका बिकवा रहे हो, और कितना चुतिया आप करोगे यार? जागो ग्राहक जागो, समझे? इन सब चीजों से बचो और इन ऐड के झांसे में मत आओ, बुझे? लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कीजिए ना।